टर्की में ये Dear passenger, welcome to Abdulkadir Air. नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पे बन रहे हैं ना गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे वो दूसरी मक्की है, तो उसके लिए ना हल्का सा जो है मैंने थोड़ा सा आप बटर ले सकते हो, आप मतलब घी ले सकते हो, रिफाइंड ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हो। वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मैंने डाला है रिफाइंड और साथ में मैंने डाल दिया है नमक। तो अभी जो है इसको जो है मैंने अच्छे से नमक को मिक्स कर लिया है और ऑयल को भी अच्छे से जो है पूरे कॉर्न में लगा दिया है और अभी हम इसको ढक देंगे। और अभी ये देखिए यहाँ पे जो है पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए। इतने से मैंने दाने डाले हैं ना मक्के के, देखना कितने ज़्यादा जो है पॉपकॉर्न यहाँ पे बनने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गए हैं। तो सारे के सारे जो दाने थे उनके पॉपकॉर्न बन गए हैं। तो अभी मैं ये निकाल लेती हूँ। और जो है सर्दियों में जो है पॉपकॉर्न खाने का अलग ही मज़ा है। बाहर खूब ठंड हो और गर्मा गर्म पॉपकॉर्न मिल जाए ना, बहुत मज़ा आता है। तो अभी बच्चों का जो है पढ़ाई से जो है टीवी देखने का टाइम हो गया है, तो और मैंने उनके लिए बना लिए हैं यहाँ पे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। तो आइए आप लोग भी जो है गर्मा गर्म पॉपकॉर्न हमारे साथ इंजॉय कर लीजिए। तो पॉपकॉर्न तो बन गए, अब मैं सीधा जा रही हूँ हस्बैंड के पास, क्योंकि वो अकेले ऐसे जो है घूम नहीं सकते हैं हमारे बिना। तो अभी मैं भी जा रही हूँ सीधा वहीं पे और आप लोग भी चलिए मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे बैठे बैठे जो है ख्याली पुलाव था कि मैं भी जा रही हूँ। ये जो थी ये क्लिप उन्होंने ही मेरे साथ शेयर की थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो क्लिप उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे वो मैंने आपके साथ जो है मतलब इस उस वीडियो में डाले थे। तो मैंने आपको कहा था कि आप मुझे बताइएगा कौन सी जगह वो गए हैं। तो जगह का नाम वैसे तो उन्होंने वीडियो में बताया था, पर कुछ ऐसा है ना कि कुछ ही लोग जो है वीडियो पूरी देखते हैं, तो शायद वो वाला पार्ट किसी ने देखा ही नहीं जिसमें उन्होंने जो है नाम बताया था। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, या तो आपको सुनाई नहीं दिया या तो फिर पता नहीं आपने वो वाला जो है देखा ही नहीं। तो वो ये गए थे इज़मिर, जो कि है टर्की में, वहाँ का वो वीडियो था। और इससे आगे भी मैं आपको बहुत सारे प्यारी प्यारी जगह जो है दिखाने वाली हूँ, जगह के मतलब टर्की के ही आसपास के जो है व्यू दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे साथ शेयर किए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि रोज के किचन में कुकिंग और ये हमारा डेली ब्लॉग, क्योंकि हम तो कहीं जा नहीं पाते तो हम तो यही दिखाएंगे। अभी हस्बैंड गए हैं तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग में जो है आपको भी जो है टर्की में घुमा दूँ अपने साथ साथ। तो अभी आप देखिए आगे, सच में बहुत प्यारा व्यू है, आप जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो अभी पहले आप देखिए, फिर जो है मैं आपको मिलती हूँ लास्ट में वीडियो। टर्की में ये सिवास के पास तोकात शहर है, तोकात। Abdulkadir Air. Go. जब बर्फ पड़ती है तो चारों तरफ
बर्फ ही बर्फ, सफेद चादर ओढ़ लेते हैं सारे, और कुछ दिनों में अब बारिश होगी, बर्फ पड़ने वाली है, तो ये सारा एरिया जो है बर्फ ही बर्फ हो जाएगा। हम लोग टर्की के सिवास में कस्टमर विजिट में, और ये जो इंटीरियर है टर्की का वो है, गांव है वहाँ, तो यहाँ पे हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है। 10 से 15 दिनों के बाद शायद यहाँ बर्फ पड़ जाएगी, जैसे मौसम और बिगड़ेगा तो यहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपने जो है मेरे साथ टर्की को घूम लिया होगा। टर्की तो पूरी बहुत बड़ी होगी, बहुत सारा होगा, जो कि मतलब मैं इतने छोटे से क्लिप्स में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। और हस्बैंड भी वहां पे जो है काम के सिलसिले में गए हैं, तो जितना उन्होंने शूट किया था ना, वो मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। और ये अभी तो मैं देखो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो वो जो है मतलब मुझे भेज देते हैं और मैं ब्लॉग में डाल देती हूँ। ये अभी से नहीं, हमेशा से वो ऐसे ही करते हैं। जो भी काम के सिलसिले में जहाँ भी जाते हैं ना, वो जो है जो भी प्लेस उन्हें अच्छा लगता है और जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, वो जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करते हैं, मेरे लिए और बच्चों के लिए ज़रूर शेयर करते हैं कि ये जगह ऐसी है और यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, वो जो है दिखा देते हैं। और जो एरोप्लेन वाली वीडियो है ना, वो जो है स्पेशली पारस के लिए उन्होंने जो है रिकॉर्ड की थी, क्योंकि पारस को जो है बहुत ज़्यादा शौक है पापा प्लेन की वीडियो जरूर बनाना, तो वो उसके लिए स्पेशली बनाई थी। तो मैंने आप लोगों के साथ भी जो है शेयर कर दी, क्योंकि उसमें जो है लैंग्वेज, आपको पता है उसमें शायद टर्किश लैंग्वेज है वो, तो मैंने जैसी थी वैसी ही आपके साथ शेयर कर दी है। और ये ना व्हाट्सएप में शेयर किए, तो शायद इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है थोड़ा बहुत इसमें जो है प्रॉब्लम होगी, तो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना। और आपको मैंने नई जगह दिखा दी, तो अभी जो है व्लॉग का एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको चैनल सर्च ना करना पड़े। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।